हेलो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में जैसा कि आप सब जानते हैं हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के कंपनी के बारे में अगर हम बोले तो ये टाटा ग्रुप का हिडन जिम भी बोला जा सकता है बिकॉज इस कंपनी ने ऑलरेडी अपने शेयर होल्डर को मल्टी रिटर्न दे दिया है पिछले एक सालों में अगर मैं अभी के करंट प्राइस की बात करूं तो इस कंपनी की करंट प्राइस चल रही है अस्सी रुपये पाँच पैसे हैं इसमें फ्राइडे के दिन हमें पाँच परसेंट की अपोसिगेट देखने को मिली थी पिछले एक महीने में इस कंपनी ने सिक्सटी परसेंट के आसपास का रिटर्न दिया था पिछले छः महीने में फाइव फोर्टी परसेंट के आसपास का रिटर्न दिया था पिछले एक साल की बात करूँ तो वन से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है ये अपने अपने शेयर होल्डर्स को अभी ये अराउंड एटी रुपीज़ फाइव पैसे पे चल रहा है ये कंपनी मैं आपको बता देना चाहता हूँ टू थाउजेंड ट्वेंटी के आसपास पास दो रुपए पचासी पैसे पे चल रहा था एंड अभी देखेंगे तो इसकी वैल्यू अस्सी रुपए के आसपास है तो आप समझ सकते इसने कुछ थर्टी टू थर्टी फाइव टाइम्स से ज़्यादा रिटर्न दे दिया अपने शेयर होल्डर्स को ये कंपनी के रिगार्डिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ काफ़ी चर्चा भी चल रही है इस कंपनी पे हमने पहले काफ़ी वीडियोस भी बनाए इस पे अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी प्राइस जब तीन से चार रुपए चल रही थी तब से हम इसे ट्रैक करते आ रहे हैं इस पे रेगुलर वीडियोस डालते आ रहे थे अभी के लिए भी इस कंपनी के, तो के बारे में बता देना चाहता हूँ कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी आया था उस पर भी हमने आपको बताया था कि कंपनी को थ्री हंड्रेड एंड थर्टीन टू फोर्टीन करोड़ का लॉस हुआ था बट कंपनी के बारे में बता देना चाहता हूँ यह कंपनी जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है वायर्ड और वायरलेस टेली सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी को लेके 2019 के टाइम पे एक अनाउंसमेंट आई थी कि टाटा सन्स ने बोला था इस कंपनी को रिवाइव करने वाले हैं एंड इसका जितना डेट है वो सारा क्लियर कर दिया जाएगा एंड टाटा का जो सुपर ऐप आएगा इसमें इसका बहुत बड़ा रोल होगा मींस क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑल सर्विसेज में इस कंपनी का बहुत बड़ा रोल होगा इसके बाद से इसमें हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है कंपनी के रिगार्डिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस समय बढ़ के हो गया पंद्रह करोड़ के आसपास का कंपनी की बुक वैल्यू माइनस नाइन्टी है जो कि एक टाइम में सौ रुपये के ऊपर थी एक सौ माइनस वन के आसपास थी जो कि अभी कम हो रही है दूसरी करंट प्राइस इसकी मैंने आपको बता दिया अस्सी रुपये चल रहा है अभी भी आप देखेंगे तो इसका 52 वीक लो छः रुपये साठ पैसे बताया जा रहा है एंड 52 वीक हाई अभी आठ रुपये अस्सी रुपए पांच पैसे पे चल रहा है ये और ऊपर जाएगा ही फेस वैल्यू कंपनी का दस रुपए का है कंपनी के प्रमोटर्स के पास सेवेंटी फोर पॉइंट फोर परसेंट के शेयर से, से एक भी शेयर प्लेज नहीं है कर्जा बिल्कुल नहीं एफ आई आई ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा जीरो पॉइंट वन सिक्स परसेंट तक कर दी है ये कंपनी में डी के पास जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट की होल्डिंग हो गई है इस कंपनी में कंपनी अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल तो इसमें हमें इतनी कुछ सुधार देखने नहीं मिल रहा है बट जैसे ही बोला जा रहा है टू में ऐप लॉन्च होगा उसके बाद से इस कंपनी में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी ऐप लॉन्च का भी मैं बता देना चाहता हूँ कि सितंबर में भी लॉन्च होने वाला था बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स हैं उसके वजह से ही इसमें डीले किया जा रहा है टाटा ग्रुप का बोलना है कि वो जब ये सारे रूल्स आ जाएंगे उसके बाद उसके नॉर्म्स पे सारे जो भी चेंजेस करने रहेंगे ऐप में वो चेंजेस करके फिर ये ऐप को लॉन्च किया जाएगा जो कि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो ऐप के साथ ये बेसिकली सुपर ऐप है एंड उसी वजह से डीले हुआ ऐप में लॉन्च में ऐप लॉन्च बोला भी गया है कि 2020 में टू में आ जाएगा एंड ये ऐप की ऑलरेडी टेस्टिंग भी हो चुकी है अराउंड टाटा ग्रुप के 70,000 थाउजेंड के बीच में ऐप को लॉन्च किया गया था और उनके बीच में चेकिंग भी हो रही है तो कंपनी अगर आप देखेंगे अभी के टाइम पर तो इसका सेल्स देखेंगे तो सेल्स ठीक ठाक है अभी भी सेप्टेम्बर क्वार्टर में जो इन्होंने अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया था क्यू टू का उसमें उन्होंने दिखाया था 269 करोड़ का इनका सेल्स हुआ था 154 करोड़ का इनका एक्सपेंस था जिसमें से अदर इनकम से इनको तीन करोड़ और आए थे उसके बाद इनको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा था 389 करोड़ का डेप्रिसिएशन इनके जो एसेट्स है उस पर लगे थे 42 करोड़ के एंड टोटल जाके 314 करोड़ के आसपास का इनको लॉस हुआ था तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस कंपनी ने रिसेंटली अभी जो गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए मॉरिटोरियम लाया था रिलीफ पैकेज लाया था तो इसने चार साल का मॉरिटोरियम भी अडॉप्ट कर लिया है एंड एजीआर ड्यूज से रिलेटेड भी इनके केस चल रहे थे रिसेंटली तो गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के फेवर में अनाउंस किया था वो केस केस का रिजल्ट तो अभी वापस से उस चीज़ पे इनकी केस चल रहा है एंड मोरिटोरियम की वजह से चार साल तक तो इनको अभी कुछ ड्यू पे करना नहीं पड़ेगा तो कंपनी के पास चार साल का टाइम है कि वो जो पैसा मीन्स गवर्नमेंट को पे करना था उन्हें एज ए जी आई ड्यूज़ के फॉर्म में वो ये लगा सकते हैं अपने बिजनेस में बिज़नेस ग्रोथ के लिए एंड कंपनी के रिगार्डिंग यही बोलना चाहूंगा कि एक बार ये सुपर ऐप आ जाता है तो उसके बाद हमें कंपनी में ज़रूर तेज़ी देखने को मिलेगी बैलेंस शीट अगर आप देखें तो शेयर कैपिटल है वन नाइन डबल फाइव करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास बिल्कुल नहीं है पिछ पहले मार्च क्वार्टर में माइनस ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड एटी करोड़ का था अभी ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी फाइव करोड़ का हो गया है माइनस में रिजर्व मीनस रिजर्व बिल्कुल नहीं है कंपनी के पास बोरोइंग अगर देखेंगे कंपनी की तो ये क्वार्टर में दो हजार करोड़ से बोरोइंग बढ़ी है मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में 17,774 थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी फोर करोड़ की बोरोइंग थी अभी नाइनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड की बोरोइंग हो गई है इस कंपनी पे अदर लाइबिलिटीज देखेंगे फोर थर्टी सिक्स करोड़ का ही है इस कंपनी पे अदर लाइबिलिटीज मीन्स एक साल के अंदर जो पेमेंट करना होता है कंपनी कम, को उसे अदर लाइबिलिटीज बोला जाता है फिक्स एसेट जो है सेवन थर्टी सेवन एटी थ्री करोड़ के हैं देन करंट वर्क इन प्रोग्रेस में फोर्टी करोड़ इन्वेस्टमेंट है मार्केट में भी इस कंपनी ने अभी 108 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है अदर एसेट जो एक साल के अंदर कंपनी को कैश रिसीव होने वाला है वो है 524 करोड़ के कंपनी का कैश फ्लो देखेंगे तो माइनस में है 42 करोड़ कंपनी का अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे मैंने आपको बता दिया प्रमोटर के पास 74.36 परसेंट है एफआईआई के पास 0.16 परसेंट शेयर है डी के पास 0.01 पॉइंट जीरो वन परसेंट शेयर है के पास ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर परसेंट शेयर है मैं आपको बता देना चाहता हूँ दिसंबर 2020 तक एफ और डीआईआई के पास कुछ शेयर नहीं थे उनके पास कोई होल्डिंग नहीं थी अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इस कंपनी में एंड इंटरेस्ट दिखा रहा है उसके बाद पब्लिक की होल्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो पब्लिक के पास भी अराउंड 25 परसेंट के आसपास तक के शेयर्स हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा रिसेंटली इस कंपनी ने अपना जो टाटा टेली सर्विस नाम था उसे उससे बदल के टाटा टेली बिजनेस सर्विस कर दिया था आप उनके वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा कि मीन्स वो काम कर रहे हैं या नहीं एंड दूसरी चीज़ रिसेंटली मतलब कुछ महीनों पहले ही बात आई थी कि इन्होंने जूम के साथ भी कोलेब्रेशन कर लिया था कि बिजनेसिस को सर्विस प्रोवाइड कर सके दैन अलग अलग इनके प्रोडक्ट्स भी इन्होंने लॉन्च किए बिज़नेस में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं स्टैब्लिश होने की कोशिश कर रहे हैं एंड एक बार जैसे ही सुपर ऐप आ जाता है तो इस कंपनी में हमें जरूर तेजी और देखने को मिली है अभी तो कहा जा रहा है कि ये शेयर अभी जो इसका अपर सर्किट है सौ रुपये तक भी टच कर सकता है बिकॉज जैसे अस्सी रुपये चल रहा है एंड अपर सर्किट में ये शेयर तो अगर आप देखेंगे तो सौ रुपये भी जरूर ये टच कर सकता है ये शेयर अभी के लिए एंड एक बार सुपर ऐप आ जाता है तो ये और ऊपर जाएगा सभी से एक ही चीज बोलना चाहूंगा जो रिटेल इन्वेस्टर जिनके पास ये शेयर काफी कम प्राइस में हो वो बिल्कुल ना बेचे होल्ड करके रखे अगर होल्ड कर सकते हैं तो अदरवाइज जिन्हें ज्यादा रिस्क लग रहा है तो वो अगर उन्होंने काफी कम प्राइस में लिया है तो वो एक काम कर सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं मीन्स फिफ्टी परसेंट अपने शेयर्स बेच दे कि इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट ले ले एंड बाकी के शेयर्स ऐसे ही छोड़ दे कि अगर वो गिरता भी है तो इनका लॉस नहीं होगा बिकॉज कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो निकाल चुके हैं वो तो ये मेथड आप अपना कर सक अपना सकते हैं एंड बाकी यही बोलना चाहूंगा अभी के लिए होल्ड करना ही सही रहेगा ये स्टॉक को एक बार सुपर ऐप आने का वेट कर लीजिए लॉन्च होने के बाद इस कंपनी में जैसे जैसे सुधार देखने को मिलेगा वैसे वैसे और तेजी देखने को मिलेगी इसके प्राइस में हमें एंड जैसा कि प्लान बताया जा रहा है जैसे बोला जा रहा है अगर सच में वो लेवल पे काम करती है ये कंपनी एंड इसकी कंपनी के फंडामेंटल सुधरते हैं तो ये कंपनी हमें बहुत ज़्यादा ऊपर जाते देखने मिल सकती है इसी के साथ हम यही बोलना चाहेंगे कि वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में या अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मार्केट के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें एंड अगर आपको कोई और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करना चाहूँगा धन्यवाद